India's foreign exchange reserves breached the $700 billion mark for the first time ever in the week ending September 27th. And that's a new record high. Forex जो exchange है, जो reserves है उनके foreign exchange के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए हैं. इंडिया से मुकाबले 2% में. नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर. 2% बड़ा होता है. वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है. ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब. बेला कितने 10 अरब ते कितने ओ. जी हाँ, भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में करीबन 12.5 अरब डॉलर बढ़कर $700 बिलियन के पार जा चुका है. India's foreign exchange reserves breached the $700 billion mark for the first time ever in the week ending September 27th. And that's a new record high, with the country's import cover hitting fresh all-time highs in recent weeks. RBI dwara jari data ke anusar, Bharat ka vartaman videshi mudra bhandar 700 billion American dollar ke paar ho chuka hai. Bharat ka kul videshi mudra bhandar 704 billion American dollar ho gaya hai. ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन के पास गया हो. अब भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है. अब भारत से आगे सिर्फ चीन, जापान और स्विट्जरलैंड है. भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है. और अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो मार्च से अब तक काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फॉरेक्स रिजर्व में 83.50 अरब डॉलर की वृद्धि देखने को मिली है. वहीं इस साल जनवरी से 87.6 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, जो पिछले साल हुई 62 अरब डॉलर की वृद्धि से कहीं ज्यादा है. आइए आपको बताते हैं भारतीय फॉरेक्स रिजर्व के इतिहास के एक सबसे बुरे दिन के बारे में. साल 1991 में जब भारत के पास के सिर्फ 15 दिनों का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, जो 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर बचा था. साथ ही भारत को काफी इंटरनेशनल वित्त संस्थानों ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था. हालांकि उसके बाद भारत ने IMF के कहने पर अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और LPG नीति को लागू किया, जिससे बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ता रहा. आज भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में आता है. और अब भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में दुनिया में चौथे पायदान पर पहुंच चुका है. वो कोई छोटा नाम नहीं है, वो एक क्लास है. पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अगर टॉप के कोई नाम है ना, 3-4 नाम जो आते हैं हिंदुस्तान के, जिनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, इस तरह के, यानी कि डॉक्टर जयशंकर का पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं. आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, रशिया चले जाएं, रशिया का उन्होंने दौरा किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया, प्रेसिडेंट ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया. आप ये देखें, डॉक्टर जयशंकर अपनी जहनियत की वजह से, अपने दिमाग की वजह से पूरी दुनिया में माने जाते हैं. एक जीनियस इंसान, पढ़े लिखे इंसान, काबिल इंसान. देखें, जब से वो वजीरे खारजा बने हिंदुस्तान के, भारत अब विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है. आइए जानते हैं कितना हो गया है अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और कितना आया इसमें उछाल. विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए बहुत जरूरी होता है. सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार. विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे आम बातचीत में फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है किसी भी देश के पास कितना विदेशी मुद्रा मौजूद है. और विदेशी मुद्रा भंडार मुख्यतः अमेरिकी डॉलर के रूप में रखा जाता है. हालांकि रिजर्व में और भी चीजें जुड़ी होती है, जिससे विदेशों से वस्तु और सेवाओं के ट्रेड, ऋण का भुगतान, साथ ही अन्य चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. साथ ही एक तौर पर कह सकते हैं बैकअप मनी के तौर पर रखा जाता है. हर देश अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार संरक्षित रखता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में मुद्रा एक्सचेंज का कार्य करता है. अब जानते हैं भारत के पास कितना हो गया है विदेशी मुद्रा भंडार. The Reserve Bank of India has amassed the world's fourth highest import cover, now valued at $705 billion. The RBI uses its reserves to control the currency's fluctuation.
The central bank has been able to limit extreme moves in the rupee, which has fallen to near record lows. The RBI has also protected the rupee against shocks from external sources using the massive forex reserve. Bank of America predicts that by March 2026, the central bank's reserves will have increased to $745 billion. This will provide the central bank with greater firepower to influence the rupee. According to experts at Bank of America, that is, a reduced current account deficit will lead to a balance of payments surplus, which will strengthen the rise in foreign exchange reserves. The necessity to establish a forex buffer to protect the country's currency reserves from market fluctuations has been emphasized time and time again by RBI governor. कि पूरी दुनिया को उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में लेके आए, ये वजीरे खारजा के काम होते हैं। आप ये बताएं, पाकिस्तान के वजीरे खारजा कहीं पे नाम भी नजर आता है आपको? कहीं पे पता चलता है कि पाकिस्तान के वजीरे खारजा जी फलां कंट्री के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और पाकिस्तान में कोई फायदा लेके आ रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर का दिमाग माना जाता है। और ये देखें चौधरी साहब, अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आते हैं तो इस बार कोई ऐसी हरकत ना कर देना कि जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात फिर बेहतर होने की बजाय खराब हो। देखिए, उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, बहुत बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। ये ना हो कि एयरपोर्ट पे नारे शुरू हो जाए, हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, उसके चांसेस हैं। क्योंकि इंडिया में एक तो टैलेंट है और दूसरा ये है कि टैलेंट को जो है वो सामने भी लाया जाता है, टैलेंट को प्रमोट भी किया जाता है और हर इंडस्ट्री में जो है उनके एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, ठीक। और वो एक्सपर्ट जो उनके हैं उसको उनको यूटिलाइज करते हैं, अपने टैलेंट को यूटिलाइज करते हैं, यही वजह है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, ये उल्लेखनीय उपलब्धि, हमारी सरकार वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो युवाओं के जीवन को बदल सकता है। 9 ईयर्स में 9 साल के अंदर 42 पॉइंट्स जंप किया है। देखें, हमारी हालत यह है कि कमरे में सांप फिर रहा है और हम सेहन में क्यारियां लगा रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए हमने मुश्किलात नहीं पैदा की थी अफगानिस्तान में। डॉलर्स दो। हाँ, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि हम अगर कोशिश करें तो हम इन 50-60 मुल्कों को लीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम खुद मांग के खा रहे हैं और उसी मांगे के पैसों से त्यारे मंगवा रहे हैं, गोले बारूद मंगवा रहे हैं, ठीक है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें वो इंडियन रिपोर्ट थी, वो कह रहे थे कि अगले 2 साल में पाकिस्तान का जो असला है वो इंडिया के असले से भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इंडिया के एंकर्स जो हैं वो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि पाकिस्तान चाहे तो 5 मिनट में इंडिया को ख़त्म कर सकता। तो सर आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।